देश में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पराली जलाने की घटनाएं रुकने की बजाय तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में अब सरकार ने किसानों पर सख्ती शुरू कर दी है। अब पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार ने ऐलान किया है कि यदि कोई भी किसान खेतों पर फसल अवशेष को जलाता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत उसे 6 महीने की जेल या 15,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। राज्य सरकार को उम्मीद है कि किसान सख्ती से ही मानेंगे। उधर आज हरियाणा सरकार जागरूकता के लिए हर जिले में रैली भी आयोजित कर रही है। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपील की है कि किसान भाई खेत में पराली न जलाएं। खेतों में आग लगाने से हवा में PM2.5 का स्तर बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों और सांस संबंधित बीमारियां होती हैं। यही नहीं, मिट्टी की जैविक गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। उधर कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा जिला उपायुक्तों को निर्देश दे रही है कि संबंधित जिलों में फ्लाइंग स्क्वाड और इन्फोर्समेंट टीमों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगा सके। राज्य सरकार का कहना है कि किसान फसल अवशेषों का प्रबंधन करें, इसके लिए सब्सिडी पर मशीनरी लें। इस पर 50-80% तक का अनुदान मिलेगा। सरकार पूसा बायो डीकम्पोजर का भी प्रचार कर रही है, जिसके 4 कैप्सूल की मदद से 1 एकड़ की पराली सड़क कर खाद बन जाएगी। वहीं पूसा के कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि पराली जलाने से पैदा हुए धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती है, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ऐसा होने से भोजन बनाने में कमी आती है। इस कारण फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 15 सितंबर से सैटेलाइट के जरिए पराली जलाने की घटनाओं की मॉनिटरिंग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।